बाद नगर निगम चुनाव का परिदृश्य साफ। इंदौर के 85 वार्ड्स में 342 उम्मीदवार, महापौर पद के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच। शहर के मुस्लिम वार्डों में भारी विवाद, कई नेता बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूर्ण, 25 जून को मतदान। 331 पंचायतों, 4 जनपद एवं जिले के लिए होगा मतदान। निगम चुनाव में बढ़ती जा रही है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय की सक्रियता। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नामांकन वापसी के बाद नगर निगम चुनाव के परिदृश्य पर। भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के प्रचार के बीच मुख्यमंत्री के साथ उज्जैन जाने पर, शहर के मुस्लिम वार्डों के समीकरण पर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की नगर निगम चुनाव में लगातार बढ़ती सक्रियता पर। कल यानी 22 जून को नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। इंदौर के साथ ही पूरे प्रदेश का परिदृश्य अब स्पष्ट हो चुका है। इंदौर के 85 वार्डों में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 10 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच में आमने सामने का संघर्ष है। 18 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है और 14 वार्डों में 4-4 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा 10 उम्मीदवार इंदौर के वार्ड क्रमांक 54 में हैं। यहाँ कांग्रेस का बागी भी मैदान में है, भाजपा का बागी भी मैदान में है। वार्ड 53 में बहुत ही रोचक स्थिति है। यहाँ पर देवरानी और जेठानी सहित 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बड़ा रोचक है यहाँ का चुनाव और इंदौर के नगर निगम चुनाव का परिदृश्य कल नामांकन पत्र की वापसी के साथ ही स्पष्ट हो चुका है। इंदौर के 85 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के 170 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आम आदमी पार्टी और निर्दलीय के रूप में 172 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कुछ ओवैसी की पार्टी AIMIM का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। इंदौर में महापौर पद के लिए अब 19 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इनमें कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट कमल गुप्ता मुख्य उम्मीदवार हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। 25 जून को इंदौर जिले की जिला पंचायत के साथ ही 4 जनपद और 331 पंचायतों के लिए मतदान होना है। जो 4 जनपद हैं उनमें 25 वार्ड हर जनपद में है, यानी 4 जनपद के 100 वार्डों के लिए मतदान होना है और 331 पंचायतों के लिए मतदान होना है। यूं तो इंदौर जिले में 334 पंचायतें हैं, लेकिन 3 पंचायतों के चुनाव अभी कुछ समय पहले ही हुए थे, इसलिए उन्हें चुनाव के दायरे से बाहर रखा गया है। ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं और कल सुबह से चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी प्रारंभ हो जाएगी। भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव को कल अपना चुनाव प्रचार बीच में ही छोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उज्जैन जाना पड़ा। भार्गव मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ उज्जैन गए। वहाँ उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और बाद में वापस लौट आए। मुख्यमंत्री ने तो वहाँ रोड शो भी किया था, लेकिन भार्गव पूजा अर्चना के बाद वापस लौट आए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव संबंधी किसी बहुत जरूरी संवाद के लिए मुख्यमंत्री भार्गव को साथ लेकर उज्जैन गए थे। मुख्यमंत्री कल वापस लौटने के बाद इंदौर विमानतल पर कुछ देर रुके। वहाँ पर उन्होंने पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, चुनाव सह संचालक प्रमोद टंडन, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और चुनाव संचालक मधु वर्मा और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह हाडिया से कुछ देर बात की। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2 दिन इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे। इसकी तारीखें अभी तय की जा रही है।
इन दोनों दिन वे चुनाव कुछ कमजोर बस्तियों से जुड़े कुछ वार्डों में जाएंगे, रोड शो करेंगे, सभा भी लेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो दो दिन इंदौर में चुनाव प्रचार में देंगे, लेकिन अभी उनका पूरा कार्यक्रम बनना तय है। वे किस वार्ड में जाएंगे, कहाँ प्रचार करेंगे, किस उम्मीदवार के लिए मोर्चा संभालेंगे, यह अभी तय नहीं हो पाया है। शहर के मुस्लिम वार्डों में समीकरण अभी भी बहुत उलझे हुए हैं, खासकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। वार्ड दो में कांग्रेस ने पूर्व पार्षद मुबारक अंसारी की पत्नी को टिकट दिया, तो यहीं के एक पूर्व पार्षद रफीक खान, जो पिछला चुनाव मुबारक अंसारी से हारे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। वार्ड आठ में पार्टी ने पार्षद रहे अनवर दस्तिक की पत्नी रुखसाना को टिकट दिया, तो यहाँ से पूर्व पार्षद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सरवर खान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन के एक वार्ड में कांग्रेस ने अभी जो पार्षद थे अंसाफ अंसारी, उनकी पत्नी को टिकट दिया, तो उनके सामने इसी वार्ड के पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। रूबीना इकबाल खजराना के जिस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं, इकबाल खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके सामने तस्लीम वाहिद अली चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार भी वाहिद अली टिकट चाह रहे थे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, लेकिन जब बात नहीं बनी थी तो उन्होंने फिर बगावत सी कर दी थी पार्टी से। अन्नू पटेल को जिस वार्ड से टिकट मिला है, वहाँ अन्नू पटेल की पत्नी मैदान में है। दरअसल उसी वार्ड से उस्मान पटेल ने भी अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। तो बहुत ही गड़बड़ाए हुए हैं मुस्लिम वार्डों के समीकरण, और कैसे यहाँ पर, हालांकि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया है, अब कोई गुंजाइश नहीं बची, लेकिन उसके बाद भी मान मनोबल का दौर चल रहा है, आगे आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन कितने सफल होते हैं इस आश्वासनों के दम पर कांग्रेस बागी उम्मीदवारों को बैठाने के लिए, क्योंकि वापस तो मैदान से ले नहीं सकते हैं, उन्हें बैठाना ही एकमात्र विकल्प है, और उसमें कांग्रेस कितनी सफल होती है देखना। हालांकि कांग्रेस में इसकी संभावना कम दिख रही, क्योंकि जब मौका था, काफ़ी मौका मिला नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन से लेकर नाम वापस लेने के दिन तक, लेकिन कांग्रेस को कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस की रणनीति इस मामले में पूरी तरह फेल रही, और कांग्रेस के बड़े नेता जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे बागी उम्मीदवारों से संपर्क ही नहीं कर पाए, उन तक पहुंच ही नहीं पाए, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय त्रिपुरा उपचुनाव के लिए तैनात किए गए थे। वहाँ पर जब चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर लौट आए थे। इंदौर आते ही कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वे लगातार उन वार्डों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वर्चस्व माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय का ये मानना है कि जहां भाजपा मजबूत है, उसके अलावा कुछ ऐसे वार्ड भी हम चिन्हित करेंगे जहाँ पर हमें पार्टी उम्मीदवार की मदद की ज़रूरत है, वहाँ भी हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक दो में, अभी उनका फोकस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक दो में ही है, कल उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक दो में चार चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। हर जगह उन्होंने ये कहा कि यदि यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताते हैं, तो आपको इस उम्मीदवार के अलावा आपकी सेवा के लिए कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बेंदोला के रूप में भी दो नेता मिलेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवारों का जनसंपर्क, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। दोनों उम्मीदवार मतदाताओं के बीच में तो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ चुनावी रणनीति को भी, इस चुनाव प्रचार के पहले और बाद में जो समय उनको मिलता है, उसमें वे चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देने में लगे रहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क दोनों नेता कर रहे हैं। आज शाम ही पुष्यमित्र भार्गव उद्योगपतियों द्वारा आयोजित एक समागम में, कैसा हो इंदौर का इंडस्ट्रियल सीनेरियो, उसमें अपना उद्बोधन देंगे। तो पुष्यमित्र भार्गव जनसंपर्क के अलावा बैठकों पे बहुत जोर दे रहे हैं। सुबह और शाम का जो वक्त उन्हें मिलता है, उसमें वे बैठकें ले रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो वार्ड प्रभारी बनाए हैं उनसे बात कर रहे हैं, और जो विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी हैं उनसे रोज फीडबैक लेकर अपने अगले दिन की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। कांग्रेस में भी ये माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जल्दी ही इंदौर आएंगे। वे इंदौर में एक दिन पूरा देंगे। इस दौरान वे कुछ वार्डों में जाएंगे, रोड शो करेंगे,
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो कमलनाथ का दोहरा कार्यक्रम भी तय हो रहा है, दिग्विजय सिंह का दोहरा कार्यक्रम भी तय हो रहा है। पार्टी ने दो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव को इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी है। मालवा निमाड़ के जो अन्य नगर निगम है वहाँ भी ये नेता जाएंगे, लेकिन इनसे खासकर यहाँ फोकस करने के लिए, इंदौर में फोकस करने के लिए कहा गया है। कल पार्टी ने अंतिम दौर में कांग्रेस ने जो 3 टिकट बदले थे उसके बाद जो असंतोष खड़ा हुआ है उसको वहाँ डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कोशिश कर रहे हैं। जिनके टिकट कटे हैं, दरअसल वो अपना प्रचार शुरू कर चुके थे, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आपको संगठन में मौका देंगे। कुछ वार्डों में जहाँ पार्टी के नेताओं के आग्रह पर जो जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया था उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो उन्हें भी कहा जा रहा है कि आपको भी संगठन में कोई पद दे दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी संगठन में पद देने के अलावा कोई और आश्वासन देना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोगों से नामांकन वापस करवाया जा सकता था उनमें से अधिकतर से नामांकन कल वापस हो चुका है। 3 उम्मीदवार लेकिन अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। 10 नंबर में मांगीलाल रेडवाल, जो कई बार पार्षद का चुनाव जीते, उनकी पत्नी भी पार्षद रही, वो बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। कमल यादव, जिनकी पत्नी पिछली बार चुनाव मैदान में थी वार्ड 51 से, वो मैदान में हैं। और कांग्रेस ने तो तमाम प्रयासों के बावजूद कोशिश की थी लेकिन सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को जैसे तैसे इस बात की सफलता मिल गई। हाँ, वार्ड 54 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक रहा है कि वहाँ पर जो है पूर्व पार्षद मंजू गोयल के पति राजू गोयल जो है वो नामांकन वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी की स्थिति है। हालांकि पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इन तीनों उम्मीदवारों को भले ही इन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया लेकिन हम पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव में बैठने के लिए राजी कर देंगे। तो मुख्यमंत्री का फोकस इंदौर पर है, वे 2 दिन इंदौर में देंगे, यहाँ पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस में कमलनाथ स्टार कैंपेनर हैं, वे इंदौर आएंगे। दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव को इंदौर पर फोकस करने के लिए कहा गया है। इंदौर के अल्पसंख्यक वार्डों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह को पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग की कमान सौंपी है, वे वहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ मोर्चा संभाल चुके हैं, इसलिए इंदौर में वो बहुत कम समय दे पाएंगे। लेकिन अल्पसंख्यक वार्डों में दिग्विजय सिंह की उपयोगिता को देखते हुए पार्टी ने उनसे कहा है कि आप कुछ समय इंदौर के लिए भी दें। अब इंदौर में सारी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के पक्ष में, जो नेता काम कर रहे हैं उनकी सारी निगाहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिकी हुई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब सक्रिय होता है। संघ के मैदान में सक्रिय होने का बहुत ज़्यादा फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। तो इंतज़ार इस बात का है कि संघ आखिर मैदान में कब सक्रिय होता है। अभी संघ के जो मैदानी कार्यकर्ता हैं उन्हें संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्हें इंतजार है अपने शीर्ष पदाधिकारियों के निर्देश का कि वहाँ से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए तो उसके बाद वे सक्रिय रहें। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थोड़ा अनमने ढंग से काम कर रहे हैं उनसे भी पार्टी के पदाधिकारी और संपर्क कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आप भी चुनाव में सक्रिय होइए। कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों से संपर्क शुरू कर दिया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क शुरू कर दिया और वे भी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में अपनी सक्रियता दिखाइए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।